तो जोहार आप सभी को। और इस वीडियो में हम लोग गुमराह, जो कि एक बॉलीवुड मूवी है और 7 अप्रैल को ये फिल्म रिलीज हो चुकी है और एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है, इसके डे वन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ऑक्यूपेंसी को डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले मैं आपको कुछ ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ इस मूवी के रिगार्डिंग, कि वो ये है कि ये जो फिल्म है एक्चुअल में देखा जाए तो एक रीमेक है, वो भी तमिल मूवी थड़म का। और देखा जाए तो थड़म का ये पहला रीमेक नहीं है, क्योंकि थड़म के ऊपर ऑलरेडी एक और रीमेक मूवी बन चुकी है तेलुगु में, जिसका नाम है रेड। अगर आपने देखा होगा तो शायद आपको पता होगा। तो थड़म पर ऑलरेडी दो रीमेक फिल्में बन चुकी हैं इसको मिलाकर, जहाँ पर ऑलरेडी तेलुगु में रीमेक बनी है और यहाँ पर अब जाकर बॉलीवुड में भी ये रीमेक बनी गई है। मतलब लगा ही था कि बॉलीवुड इससे ज़्यादा और क्या ही करेगा, और बॉलीवुड से हम उम्मीद भी क्या ही कर सकते हैं। खैर, अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल पैदा ये होता है कि थड़म जो मूवी है, जिनको थोड़ी बहुत भी जानकारी है साउथ इंडस्ट्री को लेकर या फिर वो साउथ की फिल्में देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उनको ये बात काफ़ी अच्छे तरीके से पता होगी कि थड़म मूवी जो है वो यूट्यूब पर अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है और वो भी हिंदी में अवेलेबल है। तो ऐसे में कौन ऐसा बेवकूफ़ होगा जो थिएटर में जाकर बस एक बॉलीवुड मूवी के नाम पर कोई फिल्म देखने जाएगा और अपने पैसे खर्च करेगा, जबकि फिल्म की स्टार कास्ट भी शायद इतनी तगड़ी नहीं है। तो खैर, बाकी वो तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि फिल्म ने कितने जलवे बिखेरे हैं थिएटर में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में और ऑक्यूपेंसी के मामले में। खैर, अब ये रीमेक का सिलसिला तो आज से तो नहीं है, सालों से चल रहा है, तो उस पर ज़्यादा कुछ बहस करके कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जिसको देखना होगा वो देखेगा ही, और अगर किसी मूवी को हिट होना है तो वो तो हिट होगा ही, बोलने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जब वो कुछ नहीं सुन रहे हैं तो हमारे बोलने का मतलब ही नहीं बनता है। तो अगर मैं यहाँ पर डे वन की ऑक्यूपेंसी की बात करूँ और शुरुआत करूँ मॉर्निंग शो से, तो मॉर्निंग में जो हमें ऑक्यूपेंसी देखने को मिली है वो देखने को मिली है 7.36%, जो कि देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा कम है। हालांकि यहाँ पर आफ्टरनून शोज़ में थोड़ी सी बढ़त देखने को मिली है, जो देखने को मिली है 12.26%। और वहीं पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इवनिंग शोज़ की, तो यहाँ पर आफ्टर की इक्वली हमें ऑक्यूपेंसी देखने को मिली है, जो देखने को मिली है 11.30%। वहीं पर अगर मैं बात करूँ नाइट शोज़ की, तो यहाँ पर ऑक्यूपेंसी में थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिली, पर उससे डे वन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन या फिर ऑक्यूपेंसी में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आसपास की ही ऑक्यूपेंसी देखने को मिली है, यानी कि मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग की इक्वल है। क्योंकि नाइट में जो हमें ऑक्यूपेंसी देखने को मिली है वो देखने को मिली है 14.09%, जो कि आप देख सकते हो कुछ खास यहाँ पर इम्प्रूवमेंट वगैरह देखने को मिला नहीं। और इस तरीके से ओवरऑल जो ऑक्यूपेंसी निकल कर आई है वो निकल कर आई है 11.25%, जो कि आप देख सकते हो कि बहुत ही मतलब बेकार सा यहाँ पर ऑक्यूपेंसी निकल कर आया है डे वन के हिसाब से। खैर, साउथ में तो इस फिल्म ने काफ़ी ज़्यादा तगड़ा मतलब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था जब ओरिजिनल वर्जन रिलीज़ हुई थी, जब डब होकर भी रिलीज़ हुई, यूट्यूब पर छा गई थी, पर इसका कुछ मतलब लग नहीं रहा है कि फ्यूचर कुछ अच्छा होने वाला है। और इसी तरीके से जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यहाँ पर निकल कर आया डे वन का इस मूवी को लेकर, वो निकल कर आया 1.50 करोड़ रुपीज़, ऑलमोस्ट यहाँ पर 2 करोड़ के लगभग इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो किया है। पर जिस तरीके से फिल्म ने ऑक्यूपेंसी दिखाई है वो कुछ खास इम्प्रेसिव नहीं है, और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो शायद ये फिल्म ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी और पहले हफ्ते के अंदर यूं यहाँ पर थिएटर से उतर भी जाएगी और किसी को याद भी नहीं रहेगा कि कोई ऐसी फिल्म भी आई थी शायद से। उसके बाद सिर्फ एक ही जगह है जो इस फिल्म को बचा सकती है, वो है OTT प्लेटफॉर्म, पर मुझे नहीं लगता कि कोई इंटरेस्टेड होगा वहाँ पर भी इस फिल्म को देखने के लिए। और तो आगे देखेंगे बाकी इस फिल्म का क्या होने वाला है। जोहार।